बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइफ हूँ आपके साथ। मैं एक जगह पर इस वक्त मुकीम हूँ किसी सफ़र के सिलसिले में। तो बहरहाल मैं एक अपडेट पढ़ रखा था, मैंने बोला आप भाइयों के साथ भी शेयर करता चलूँ। खासकर जो मेरे भाई छुट्टी के ऊपर इकामा होल्डर यानी कि सऊदी अरब से बाहर बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि अभी भी बंद जा रही हैं, तो आपके लिए एक अपडेट है जी। एक बंदे की तरफ से जवाबदार से पूछा गया सवाल है, जो मेरे भाई पाकिस्तानी इंडिया में बैठे हुए हैं उनकी कुछ परेशानियाँ इससे कम हो सकती हैं। वो ये है जी, उस बंदे ने जवाब से ये पूछा था कि मैंने एक डोज़ सऊदी अरब से लगवाई थी और एक डोज़ मैंने पाकिस्तान से अभी लगवाई है, तो तवक्कलना में स्टेटस नहीं मेरा अपडेट हो रखा है या सेहती में स्टेटस नहीं अपडेट हो रखा है और इसके मतलब कुछ बता दें। तो आगे से भाई जवाब ने उस बंदे को ये जवाब दिया है कि ऐसा कोई भी बंदा, पहले तो उन लोगों ने ये क्लियर किया, ऐसा कोई भी बंदा जो यहाँ से एक डोज लगवा कर गया है, दूसरी डोज पाकिस्तान से या इंडिया से लगवाई है, वो भी अभी डायरेक्ट सफ़र नहीं कर सकता है सऊदी अरबिया का, जब तक फ्लाइट्स ओपन नहीं हो जाती। ठीक है, वाई के थ्रू आप आ सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब आपके इकामे और छुट्टी बढ़ जाएँ। और आपको पता है जी, अभी आपके इकामे और छुट्टी नहीं बढ़े हैं, अभी आप वाई के थ्रू भी नहीं आ सकते हैं। सिर्फ फ्लैट्स का इंतज़ार करें या आने वाले कुछ एक दिन में, दो दिन में, हो सकता है आज रात ही आपके इकामे या छुट्टी या फ्लैट्स ओपन हो जाएँ, तो वो यानी कि उस खबर से भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा उसी टाइम। लेकिन उस बंदे की तरफ से पूछा गया यह सवाल था जवाबदार से, जवाबदार ने आगे से उस बंदे को ये बताया फिर कि अगर तूने एक डोज यहाँ से ली है, एक डोज पाकिस्तान से ली है, तो अपनी सेहती को या अपनी तवक्कलना को अपडेट कर। उसके बाद वहाँ पर जो आपको पता ही हेल्थ सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पर आपकी एक डोज शो हो जाएगी जो आपने सऊदी अरब से लगवाई हुई है। ठीक है, पाकिस्तान से लगवाई हुई डोज वहाँ पर शो नहीं होगी, या तो वो उसके लिए आपको अलहदा से यानी कि नादरा का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। जब आप सऊदी अरब सफ़र करेंगे या फ्लैट्स ओपन होंगी, तो तब आपकी एक डोज वो शो होगी, एक डोज का आपके पास सर्टिफिकेट होगा जो आपने नादरा से ली हुई है। और आपको पता ही, आपको मुकीम की वेबसाइट के ऊपर आपने जब रजिस्ट्रेशन करनी है, उस टाइम भी आपने जो सऊदी अरब से लगवाई हुई है वो डोज भी और जो पाकिस्तान से लगवाई है वो दोनों डोज वहाँ पर भी आपने फिल करनी है, यानी कि 72 घंटे पहले वो तो आपको फिल करना होगा। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डोज अगर आपने यहाँ से ली है, अगर आपने पाकिस्तान से ली है, तो तवक्कलना में अपडेट नहीं हो रही है, अपनी तवक्कलना सेहती को अपडेट करें, बस हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो डोज आपने पाकिस्तान में ली है और नादरक से आपने सर्टिफिकेट उसका हासिल किया हुआ, यानी कि आपकी उस डोज का रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है, हो सकता है ऐसा भी, वो भी आपकी तवक्कलना में अपडेट हो जाए।